दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रायता। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, पुलाव के साथ या बिरयानी के साथ, या फिर वैसे भी घर में अपने, या कहीं बाहर घूमने फिरने जाएं या कोई दावत हो तो वहाँ ज़रूर बनता है। उसका बड़ा आसान सा तरीका है, उसमें हम क्या चाहिए होगा, योगर्ट, दही, नमक, अच्छा, और साथ में क्या चाहिए, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। पहले हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को और नमक को ग्राइंड कर लेंगे बहुत अच्छे से। फिर उसे देखें, ये हम ऐड कर रहे हैं पहले धनिया, फिर उसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च ज़्यादा तो नहीं है, अच्छा। फिर है पुदीना, आप अपने जायके के मुताबिक, या अगर आप कम मिर्ची खाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मिर्ची कम डाल लीजिएगा, अगर नॉर्मल खाते हैं तो फिर इतनी ही। और फिर आप इसमें लेंगे 1/4 चम्मच नमक, फिर इसे हम कर लेंगे ग्राइंड। अच्छा, कर लिया। अभी हम इसे निकाल लेंगे बाउल में और फिर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप इसे दही के अंदर ऐड कर लें। वैसे भी आप इसे बना के रख सकते हैं और किसी भी खाने के साथ, सिर्फ ये हरी चटनी जो है आप यूज़ कर सकते हैं। हरी चटनी वैसे भी उसमें जो हम दही बड़े वगैरह बनाते हैं उसमें ऐड होती है, गोलगप्पे जो होते हैं उसमें भी हरी चटनी ऐड होती है। तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी इसे यूज़ करना चाहें, सेव कर लें बना के थोड़े टाइम के लिए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हरी चटनी जो है इसके अंदर मिक्स कर देंगे। सारी तो हरी मिर्च इसमें नहीं ऐड करेंगे हम, बाकी जो है वो बचा के रख लेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट में रायता रेडी हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की ये वीडियो मैंने नहीं, मेरी दोस्त ने बनाई है, तो थैंक यू मेरी दोस्त के लिए। और हमारी इस एफर्ट को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।